5 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो दोबारा से टाकरा होने जा रहा है, किसको जो है वो आप देख रहे हैं कि जीतेगा? पहले हमने इंडिया को इतनी बुरे तरीके से जो है ना वो उनको उनके जो टॉप बैट्समैन है उनको बॉल किया। मोहम्मद जमान चाचा टी20 आपको पता होना चाहिए, आपको मेरा पता होना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो मैच होने जा रहा है 10 सितंबर को, क्या आप राय रखते हैं उसके बारे में कि कौन जीतने वाला है, कौन टफेस्ट टाइम देने वाला है इंडिया को? देखिए मैं समझता हूँ कि और कदाफी स्टेडियम में आया मैच देखने, इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी? परफॉर्मेंस तो सबकी बेहतरीन रही है, लेकिन एक बात कहूंगा कि ये मैच देख के इंडिया की कांपे टांग गई होंगी। ये पिक्चर आपने माशाल्लाह से दोनों दोस्तों को साथ खड़ा कर दिया, ये क्या लॉजिक है? मैं आई थिंक विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। ना विराट के नाल तुसी बाबर नु भी खिलाता है, तो अच्छा कहेंगे फिर आखिर में आप? विराट कोहली आई लव यू। चैनल 9 नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश आज हर तरफ जो है वो यही नारे लग रहे थे कि आखिर कौन जीतेगा, और बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जी पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीत भी गया। अभी 63 बॉल्स जो है वो रहती थी और पाकिस्तान ने जो है वो सबके बांग्लादेश के छक्के छुड़ा दिए। अब जो है वो सबको इंतज़ार है भारत और पाकिस्तान का टाकरा देखने के लिए। इस वक्त जो है वो मैं कदाफी स्टेडियम के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, अब मैच बिल्कुल एंड हो गया है पाकिस्तान बांग्लादेश का। अब देखते हैं कि जी ये जो शायकीन बाहर आ रहे हैं, अब 10 सितंबर को जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत का, उस हवाले से नौजवान क्या कहेंगे उनसे जानते हैं। मेरे साथ रहेगा, अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? क्या नाम है? तौसीफ अहमद फ्रॉम लाला मूसा। अच्छा तौसीफ, मुझे ये बताएं कि आप मैच देखने आए थे, बांग्लादेश बुरी तरीके से हार गया, क्या कहेंगे? बांग्लादेश को तो हमने चारों शाने जीत कर दिया, एंड इट वाज रियली अ फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव सीन टुडे। और जिस तरह की हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी एंड लिटरली हारिस रऊफ वाज स्प्लेंडिड टुडे, कि उसने जिस तरह की बैटिंग बॉलिंग की, सॉरी, तो वो इस गेम में जो है ना वो चार चांद लगा दिए, और इतना एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ। 10 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो दोबारा से टाकरा होने जा रहा है, किसको जो है वो आप देख रहे हैं कि जीतेगा? वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस गेम इंशाल्लाह। जैसा कि पहले हमने इंडिया को इतनी बुरे तरीके से जो है ना वो उनको उनके जो टॉप बैट्समैन है उनको बॉल किया, इंशाल्लाह हम यही नेक्स्ट में जो अभी मैच 10 सितंबर को आ रहा है उसमें भी हम यही देखते हैं कि हारिस रऊफ या शाहीन शाह अफरीदी उनके टॉप बैट्समैन, रोहित टाइम कौन देने वाला है इंडिया? ऑफकोर्स इट विल बी शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ, यस। और इंडिया को हम ये भी मैच देना चाहते हैं कि देखें कितना एक अच्छा क्राउड और इतना अच्छा मैच लाहौर में हुआ है। दे डिड नॉट कम टू पाकिस्तान, दिस इज़ वेरी बैड, वी वांट टू सी देम इन आवर कंट्री, और वी आर क्रिकेट लविंग कंट्री, एंड इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के वो इंशाल्लाह एक दिन हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, बड़े हैप्पी है, मच्छी चौल नहीं लगे, अज सू कढ़ाई गोश्त लगे खान लो, कढ़ाई गोश्त खान लो, कढ़ाई गोश्त खावे तो मौजा मस्तियां मारांगे, इन्नी गर्मी दे कढ़ाई गोश्त खावे जरा पसीना निकले वो तो पूरा आ जाए। देखो मेरी गल सुनो, कहते हैं कभी खुशी कभी गम, कभी तुम कभी हम, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, कहते ये दुनिया च चलता रहना, जिसल जी वारी है उस दिन का ख्याल करो, अगले दिन का भुल जावो, क्योंकि जो भुलेंगे नहीं तो याद रखा तो मर जाएंगे, टेंशन बड़ी साढ़े मुल्क के, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा वे, साड़ी गवर्नमेंट ने अज तक महंगाई के उत्ते कंट्रोल नहीं किया, बाकी हर चीज़ से कंट्रोल कर लिया वे, क्योंकि महंगाई तो कंट्रोल करेंगे तो दुनिया से कंट्रोल होगा, नहीं तो दुनिया बाहर निकलेगी। कितने को हजे तक मैच वेख चुके हो? मैं 99 तो देख रहा, ਤਦਾਜ ਦੇ ਗਿਣਤੇ ਆਉਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹਾਜੂ ਕੋ 250 ਮੈਚ ਦੇ ਹੀ ਲਿੱਤਾ 100 ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਫਰੀਦੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਲਾਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2005 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਬਦਰ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ 300 ਗੇਂਦ ਖੇਤੀ, 100 ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੇਡ ਅਤੇ ਮੈਚ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਕਟ ਬਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਖੂਬੀ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਫਾਰ ਇੰਜੋਏ ਆ, ਤੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰ ਜੀ, ਵਾਲਿਕ ਸਲਾਮ, ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮਾਨ ਚਾਚਾ ਟੀ20, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਆਪ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ।
कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएं सर, आज के मैच के बारे में क्या आप कहेंगे? आज का बहुत जबरदस्त मैच हुआ, हमें विनिंग चाहिए, तो विनिंग ट्रैक पे हमें इंशाल्लाह इसी विनिंग ट्रैक पे रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना और हमने करके दिखाया और जिस तरह से हम खेले हैं, जैसे बांग्लादेश खेला है वैसे अगर इंडिया खेल रहा था तो क्या आपको फीलिंग्स आती? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमारे बच्चे आज स्लो खेले हैं, आराम से खेले हैं, अगर इंडिया के खिलाफ होता तो इस तरह हम नहीं खेलते। मैं इसीलिए कहता हूँ कि एशिया के रंग चाचा टी ट्वेंटी के संग, मेरे साथ आओ मैच देखो और एंजॉय करो इंशाल्लाह एशिया पाकिस्तान लेके आएगा। 10 सितंबर को मैच होने जा रहा है इंडिया और भारत का, इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो मैच होने जा रहा है 10 सितंबर को, क्या आप राय रखते हैं उसके बारे में कि कौन जीतने वाला है, कौन टफेस्ट टाइम देने वाला है इंडिया? देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान है उसका जो पलड़ा भारी है, इंशाल्लाह पाकिस्तान ने उनको 266 पे आउट किया हुआ है, इसलिए वो अभी चीख रहे हैं कि ये स्कोर कोई कम है, 300 से ऊपर जाना चाहिए जैसे उनकी बैटिंग है। तो मैं समझता हूँ कि उनका विक्रम जो गुप्ता जो है ना माशाल्लाह, वो भी अपनी टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने क्या किया है, शाहीन मिसाइल के आगे आप ठुस हो गए हैं। तो ये हमारे मिसाइल जो है ना इंशाल्लाह लाहौर कलंदर ने जो पैदा किया है, ये दोनों इनको उड़ा के रखेंगे। मिसाइल्स है उनमें से सबसे अच्छा वाला मिसाइल कौन? मिसाइल बाबर, और नहीं बाबर तो बैट है ना, मिसाइल जो होते हैं ना वो बॉलिंग भी आते हैं, मिसाइल जो है ना शाहीन है, और शाहीन तो हमारा मिसाइल का नाम भी है, शाहीन ये हमारा बॉलर भी है, और नसीम शाह तो आपको पता है अफगानिस्तान जैसे को लोगों को सारे खिलाड़ी जो है वो तैयार बैठे हैं, तैयार खड़े हैं, मैदान सज चुके हैं, क्या लगता है कि जी इंडिया से ऐसा कौन सा प्लेयर है जिससे हमें थोड़ा बचने की जरूरत है? बिल्कुल, जो पहले सुरेश रैना और क्या नाम है रोहित शर्मा और जो विराट कोहली है ना, इनसे बचना चाहिए, इनको पहले आउट कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 245-240 के अंदर आउट करना चाहिए अगर वो पहले खेलेंगे। अगर हम खुद पहले खेलेंगे 320 तक हमको टारगेट देना चाहिए। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम? मेरा नाम शिबाज पाकिस्तानी, और आज का मैच मैं स्पेशल दुबई से आया हूँ देखने के लिए। दुबई से देखने? हाँ, वैसे मैं मैचेस जाता हूँ श्रीलंका बांग्लादेश और इंडिया में, जहाँ मैचेस होते हैं मैं जाता हूँ। अच्छा। और मेरा तलक वैसे सियालकोट से है, लेकिन आज का मैच जो मुझे बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान आज का मैच जीत गया, और दूसरा मैं अपने पाकिस्तानियों को जितने भी लाहौरी आए हुए थे जहाँ से भी आए उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो आए हैं, आज क्राउड फुल था और हमें बहुत खुशी हुई है मैच देख के। खुशी हम जो है वो 10 सितंबर को देख पाएंगे कि नहीं? 10 सितंबर को एक्चुअली बारिशों का इम्कान है उधर, मुझे लगता है कि बारिश हो जाएगी और मैच जो ना वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अगर इनको कहीं किसी और जगह पे मैच को शिफ्टिंग कर दें तो अच्छा है, लेकिन बारिश ही होना उधर, क्योंकि बारिशें बता रहे हैं कि बारिशें आने वाली हैं, तो इसलिए कि अगर बारिश ना हो तो मैच भी टफ होगा, क्योंकि इंडिया को आपको पता पाकिस्तान के बॉलरों ने नेस्त नबूद कर दिया था, और बारिश की वजह से जो ना इंडिया की अफरीदी ने जिस तरह से विकेट्स लिए हैं क्या कहेंगे उन? शाहीन शाह अफरीदी स्टार्टिंग में जो बॉलिंग करता है उसकी जो स्विंग्स होती है वही हमारे लिए जीत होती है, और बाद में जो रऊफ और नसीम शाह आते हैं और कम बैक करते हैं, इसलिए पाकिस्तान जो आने वाले मैच में अब कोई इस तरह से कौन जो है वो इस तरह से छा जाने वाला है, कौन जो है वो भारत को चकनाचूर करने वाला है, ये इंशाल्लाह देखेंगे जब मैच आएगा, मौसम का हाल देखेंगे, पर उसके बाद हम बताएंगे कि कौन जीतेगा और क्या होगा, उसी दिन प्रेडिक्ट करना है, उसी दिन हम बताएंगे, क्योंकि अभी हम बता देंगे क्योंकि बारिश आ गई सारे का सारा जो ना दरे का दर्रा रह जाएगा। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह से आए हैं? गुजरावाला से, लाहौर कदाफी स्टेडियम में आया मैच देखने। जी जी, किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी? परफॉर्मेंस तो सबकी बेहतरीन रही है, लेकिन एक बात कहूँगा कि ये मैच देख के इंडिया की कांपे टांग गई होंगी, इंडिया की कांपे टांग गई होंगी, 10 तारीख को उनको समझ आ जाएगी कि उनके सक्के इसको हमारी कांपे टांगी फिर नहीं, इंशाल्लाह नहीं टांगेंगी, हम हर दफा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, नहीं पहले वो होते थे, इस दफा इंशाल्लाह हम नहीं होंगे। तो पाकिस्तान फर्स्ट नंबर ओडीआई पे आ गया, तो आपको लगता है कि इस चीज को बरकरार रख पाएगा पाकिस्तान? जी इंशाल्लाह, देखें एक मैच अब आगे जो आने वाला इंडिया वाला, उसे इंशाल्लाह ऐसे ही जैसे आज वन साइडेड हुआ वैसे ही होगा। अच्छा, अफरीदी बड़े अच्छे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो देखें, वो तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है ना, तो उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। नसीम शाह मतलब ये लीथल बॉलिंग अटैक है मार लिए, नसीम शाह और हारिस रऊफ ये सारे, तो बस मेरे ख्याल से ये तीन ही काफी है। कैप्टन बाबर को बेहतर करनी चाहिए थोड़ी सी, पिछले मैच में जरा ढीलापन जरा लगा है उसका, लेकिन कोई नहीं बेहतर है। लगता है इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो हमें आने वाले मैच में टफेस्ट टाइम दे सकता है? इंडिया में मेरे ख्याल से विराट कोहली है, लेकिन पिछले मैच में देख लिया है बस, वो भी लगता है वो गुस्सा निकालेगा।
हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, लेकिन बारिश की नज़र भी हो सकता है मैच। लेकिन जो इंडिया ने अब कर दिया हुआ है, जेशा ने मैच को जो कभी उधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है, ये गलत किया है। इसको चाहिए था कि कम से कम पाकिस्तान में टूर्नामेंट कराता ताकि हम सारे ज़्यादा लुत्फानंदोज़ होते। अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट करवा जाता तो आपको लगता है कि इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करता? देखें क्राउड ही बता सकते हैं, देखें आपके सामने ही है कितना ज़्यादा क्राउड है, कितना इन्जॉय किया सबने। क्या आप मैसेज देंगे आप दोनों टीम्स को, इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीम्स को थ्रू आउट द होल टूर्नामेंट? मैं उन्हें यही कहूँगा कि पीस जोन से आगे लोगों को तक पहुँचाएँ, कि मतलब पीस का मैसेज दें आगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जोन से एक दूसरे के क्लोज हो सकें, और ये जो माइंड सेट है दोनों का चेंज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? जुनैद। कहाँ से आए? मैं इधर से ही। मैं इधर से। इधर से इस्लामाबाद से भी आए हैं कजन मेरे, लेकिन मैं लाहौर ही होता हूँ। आप लाहौर से? हाँ जी। आज यहाँ पर मैच देखा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैच देख के आए या फिर आधे मैच में पता चल गया था आरसीबी जीत गया? रैन देखा है, पूरा मैच देखा है, बॉलिंग भी देखी है। बॉलिंग बहुत वीआईपी थी, लेकिन इनको चाहिए था जो बैटिंग है, इनको 25-30 ओवरों में मैच खत्म कर देना चाहिए था। ये बिल्कुल सुकून से लगे, इनको पता था हम जीते हुए हैं, लेकिन इनको हमें क्रिकेट दिखानी चाहिए थी आज कि वाकई कोई प्लेयर है। बाबर आजम को चाहिए कि थोड़ा बहुत अपना फोकस रखे बैटिंग पे, आज हमने उसका देखा है, आईक्यू लेवल बहुत कम था। बाकी हारिस रऊफ को मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट मैच आ रहा है वो बहुत हैवी मैच है इंडिया के साथ, अपनी बॉलिंग पे फोकस रखे, ना कि इतना स्कोर खाए जो इसने पिछले मैच में किया है। तो काइंडली मुझे, मैं यही कहूँगा हारिस रऊफ को, हारिस साहब बॉलिंग पे फोकस रखे, ना कि अपने एटीट्यूड पे, अपने बॉलिंग पे फोकस रखे ताकि आपके आने वाले वक्तों में अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इंडिया को भी कहूँगा कि पाकिस्तान आके खेलें, ये पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, ना के दहशतगर्दों का मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको पाकिस्तान से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और आप आए इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इधर मैच खेलते वक्त। आप आजम को क्या कहेंगे? हारिस रऊफ को तो आपने आंखों में आंखें डाल के बहुत कुछ कह दिया है, बाबर को कहेंगे? बाबर को मैं यही कहूँगा कि परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, कप्तानी भी अच्छी है, लेकिन बाबर साहब को सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि आपने वर्ल्ड कप भी हरा दिया, आपने एशिया कप भी हराया फाइनल, ये एशिया कप फाइनल जिता दें आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट है वो बिग टूर्नामेंट है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें अल्लाह से दुआ है कि आप वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। वर्ल्ड कप जीतना ना जीतना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपने इंडिया में जाके उनको बताना है कि हम किसी से कम नहीं है इंशाल्लाह। हमें 2011 वाला सीन नहीं चाहिए जो हमारे साथ सेमीफाइनल में हुआ है। अगर आपको कोई धमकाता है, भड़काता है, आपने कहना हमने मैच खेलना है और इंशाल्लाह मैच की हद तक रखना है, और इंशाल्लाह आप जीतेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है इंशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देख लें हमारे इस एक इस हमारे कप्तान ने एशिया कप जिताया है, इस वाले ने ये देख लें, इंशाल्लाह अभी ये भी जिताएगा। मैं इनको मशवरा नहीं दे रहा, ये हमसे बेहतर जानते हैं कैसे खेलना है, ठीक है। माशाल्लाह आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, 40 ओवर में विन किया है तो बड़ा जबरदस्त विन किया। मैं कहता हूँ कि जितना उनको टारगेट मिला था उस हिसाब से उन्होंने बड़ा अच्छा अचीव किया है, बड़ा अच्छा चेज किया उन्होंने। इंशाल्लाह अगला मैच इंडिया के साथ होगा और पूरा मैच। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आने वाले मैच में हमें थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं और हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए? इंडिया के देखें, पहले तो हार्दिक पांड्या ने बड़ा जबरदस्त किया, लेकिन वो ये है कि सूर्य कुमार रोहित की परफॉर्मेंस रही उसमें क्या? नहीं, रोहित से हमें डर नहीं है, रोहित से और विराट से डर नहीं है, क्योंकि वो पुराने हो गए हैं, जो नए आने वाले हैं जैसे मैं देख रहा हूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली, इस टाइम अगर वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अब वो नेक्स्ट मैच में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना कि वो अपनी आवाम को गालियां सुन सकें। अपने बॉलरों को चाहिए कि अपनी जो इन्होंने बॉलिंग की है वो दोबारा उस तरह की बॉलिंग करें तो अगलों को पता लगे कि यार हम परेशान हो गए हैं खेलते वक्त सारे के जानबूझ के वो थोड़ा हल्का। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रोहित और कोहली को अब इजी नहीं लेना, क्योंकि वो एक दफा हो गया उनके साथ, अब वो गुस्सा दिखाएंगे, जहरी सी बात है। आपको याद हो गया एशिया कप के मैच दो हुए हैं उनके साथ, पहले मैच में उनकी परफॉर्मेंस गंदी रही है, लेकिन नेक्स्ट मैच में रोहित ने अपना आप नसीम शाह को कितने चौके छक्के मारे हैं, लेकिन वो लहदा बाद मैच हार गए, लेकिन हमें इजी नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये है कि आज ना नमाज की जगह उसको फहीम अशरफ को खिला के बड़ा अच्छा मशवरा किया है, क्योंकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई है और मुझे लग रहा है कि स्पिनर हमारे पाकिस्तान काम नहीं कर रहे, तो बेहतर है कि इंडिया के मैच में भी सब फहीम अशरफ को साथ लेके जाएं। ये दूसरी बात, ये मैंने खुद बनाया है, मैं ग्राफिक जी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने बनाया है ये, देख ले, मैंने इसलिए बनाया कि ये हमारे इस एक आने वाला कप्तान इंशाल्लाह यही होगा हारिस, इसने एक हमें मैच जिता दिया है और अभी बाबर की बारी है, ये देखें ये बाबर की टीम है, इंशाल्लाह ये हमें जरूर ये एशिया कप जरूर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी मैच देखने के लिए आए, कौन ज्यादा अच्छा लगता है आपको? मुझे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अच्छा लगता है, बाबर आजम क्यों अच्छा लगता है?
वो हमारा कप्तान है, वो मैच जिता सकता है। अच्छा, मैच जिता सकता है। आज का मैच आपने पूरा देखा है? जी। कैसा लगा है? बहुत अच्छा। मैच 10 सितंबर को इंडिया के साथ है, जीत पाएंगे हम? शायद इंशाल्लाह जीतेंगे। कौन जिताएगा? बाबर आजम मेला। छोटे छोटे बच्चे कह रहे ने, इन्हें जुबान चो तेरा नाम निकल रहा है, जितवा देना है ना जी। तो कह दो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम है? मोहम्मद बिलाल। कहाँ से आए हैं? मैं मंडी बाबादीन से। अच्छा, और ये पिक्चर आपने माशाल्लाह से दोनों दोस्तों को साथ खड़ा कर दिया, ये क्या लॉजिक है? मैं आई थिंक विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा ड्रीम था विराट कोहली को पाकिस्तान में देखने का, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो मंजूर वही होता है। तो इंशाल्लाह संडे को जो मैच होगा ना, विराट के नाल तुसी बाबर नु भी खिलाता है, दोवे दुश्मन ने दोस्त है? कोई गल नहीं, दोस्त भी ने। अच्छा, दोस्त भी है। आज का मैच देखा आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह देखा। कैसा लगा? अच्छा लगा। बांग्लादेश की परफॉर्मेंस कैसी थी? बांग्लादेश की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। अगर जो बांग्लादेश ने परफॉर्मेंस दिया, यही परफॉर्मेंस इंडिया देता तो? इंडिया देता वो तो उनकी किस्मत ही ना। मैं फैन सिर्फ विराट कोहली को, इंडिया का तो नहीं हूँ। अच्छा जी। आप तो अगर विराट कोहली आपको सुन रहे हो तो क्या कहेंगे? विराट कोहली से यही गुजारिश है कि मेरा ड्रीम उनसे मिलने का। आपसे मिलने? पाकिस्तान नहीं, मुझे मिलने का ड्रीम है। वो इतना बड़ा 258 उसके मिलियन फॉलोअर, मुझसे वो कैसे मिल सकता है? जी अच्छी विश रखी। जी इंशाल्लाह विश तो अच्छी। कहेंगे फिर आखिर में आप? विराट कोहली आई लव यू। काम थी आवाज मैंने भाई ने कह ही दिया कि विराट कोहली आई लव यू। क्या नाम है आपका? शहबाज। पूरा झंडा आपने लपेट लिया अपनी बॉडी पे, ये क्या लॉजिक हुआ? ये लॉजिक है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है कि जी हम आने वाले मैच में इंडिया से जीत पाएंगे? जी इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। कौन अच्छा लग रहा है इस वक्त? शहीन शाह अफरीदी के अलावा बाबर आजम अच्छा खेल रहे हैं इस टाइम पे। बॉलिंग में पूछ रही हैं आप, बैटिंग में पूछ रही हैं? दोनों में बताएं। बाबर आजम, रिजवान ये मेरे बेस्ट प्लेयर हैं खेलने के हिसाब से। और इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो हमें नेक्स्ट टाइम जो है वो दे सकता है टफ टाइम? मैं नहीं समझता कोई भी है। कोई भी नहीं है। हार के ऐसी नहीं आ रहे हैं। हर बारी एंड करके ऐसी ट्रॉफी तो पीछे नहीं। इंडिया से कम से कम हम नहीं हार सकते। ऐसे नहीं, से कोई और अगर टीम आए तो उससे सोचा जाए, लेकिन फिर भी हम मान जो ना वो इंशाल्लाह एशिया कप घर पे लेके आएंगे। एशिया कप घर पे लेके आएंगे किसके घर? पाकिस्तान में। क्या कहेंगे दोनों टीम? दोनों टीम्स को यही कहूँगा पाकिस्तान में आया करें, ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो मैचेस वगैरह देखें, और इसी वजह से जो ना इंडिया की टीम भी आ सके, और बस यही कहना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है वो अपनी पूरी बॉडी पर इस तरह से अपने पाकिस्तान का झंडा लपेटा हुआ है, पूरे उसमें लिपट से गए हैं। क्या जी हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है? और आज का जो मैच था ये सबने एक्सपेक्ट कर लिया था कि जी बांग्लादेश जो है वो हार जाएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो मैच होने जा रहा है 10 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो बहुत बड़ा मैच है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो रिवायती हरीफ इंडिया है वो हमेशा से पाकिस्तानियों के लिए जो है वो थोड़ा खतरे की घंटी साबित उसने की है, खतरे का बाइस बना है। लेकिन इस दफ़ा ये देखना है कि जी अगर लास्ट सेकेंड सितंबर मैच की बात की जाए तो काफ़ी बुरे तरीके से हमें वो हारते हुए नज़र आए हैं। अगर बारिश ना होती तो पूरी उम्मीद थी कि जी पाकिस्तान कहीं ना कहीं जीत ही जाएगा, लेकिन अब सब जो है वो मजीद आने वाले मैच का इंतजार कर रहे हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, पाकिस्तानियों का लाहौरियों का स्पेशली जज्बा देखकर कैसा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।